कैसे हैं आप सब? आप लोग सोच रहे होंगे कि बीच में आके इस सीरीज़ को डिस्टर्ब किया जा रहा है। नहीं, दार्जिलिंग सीरीज जो आप लोग देख रहे हैं ना, उसको हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दो दिन आपने डे वन का देखा, आपने डे टू का देखा, अब जो आज से सीरीज़ देखेंगे ना आप, वो डे थ्री का होगा। हम लोग क्या किए इस बीच में, थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। पहले दिन दार्जिलिंग पहुँचे, दूसरे दिन जिसको डे वन कह रहे हैं उस दिन दार्जिलिंग के टाउन को हम लोगों ने एक्सप्लोर किया, बतासिया लूप और ये सब। उसके बाद जो अगला डे टू था ना दार्जिलिंग का, तो दिमाग में चल रहा था टाइगर हिल जाएं या पेलिंग जाएं, क्योंकि पेलिंग जाने का टारगेट बन चुका था लोगों से सुन के। और सुबह 4:30 बजे उठ भी गए थे, बट गार्ड ने खोला नहीं, गार्ड था ही नहीं कोई, तो गेट खुला नहीं, थोड़ा लेट हो गया। अब सनराइज़ देख नहीं सकते थे तो जाने का मतलब नहीं था, तो निकल गए पेलिंग के लिए। तो जो अभी तक आपने वीडियो देखा ना, वो पेलिंग का था। बहुत ही खूबसूरत सफ़र था पेलिंग का, दार्जिलिंग से पेलिंग। मैं एक बार जब पूरा सीरीज़ समाप्त हो जाएगा ना, तब आपको हम दार्जिलिंग से पेलिंग कैसे जाएंगे और कैसे लौटेंगे इस पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन अच्छा लग रहा है कि नहीं सीरीज़, ये बताइए। आप लोगों में से कुछ लोगों को लग रहा है कि ये सीरीज़ थोड़ी, मैंने ये लंबा वीडियो जा रहा है। देखो, लंबा इसलिए जा रहा है ना कि हम आपको भगा के दिखाना नहीं चाहते। हम जितना रास्ते को इन्जॉय करते हैं या जितना सफ़र को एंजॉय करते हैं, हम चाहते हैं कि एज इट इज़ आपके सामने प्रेजेंट कर दें। ये अलग बात है कि कैमरा आंखों का जस्टिफिकेशन तो कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो फीलिंग्स आ जाए, आप वहाँ हो ना हो, एटलीस्ट आप रिलेट कर पाए कि हम भी ऐसे वहाँ पे हो सकते थे। तो अगर हम 10 मिनट में या पूरा पेलिंग का ट्रिप एक ही वीडियो में समाप्त तो किया ही जा सकता था ना, लेकिन आई थिंक वो चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि हमें वो वीडियोज़ नहीं मिल रहा यूट्यूब पे जहाँ पे हम बहुत अच्छे से रिलेट कर सके, चीज़ों को अच्छे से देख सके। मतलब इसके बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर जाने का मन करे तो सीधे आप चले जाए। खैर, यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। आप कहोगे कि आपके सीरीज़ ख़राब हो रही है। अब आज हम लोग दार्जिलिंग के शहरों का टूर करेंगे, मस्त टॉय ट्रेन देखेंगे और उस हॉन्टेड डॉ हिल को पे भी जाएंगे, जहाँ पे आजकल जाना मना कर दिया गया है, बट हम चले गए हैं, तो आप उस सीरीज़ को भी देखेंगे। और अभी चलेगी ये सीरीज़ के बाद हम लोग जब डे फोर में लौटेंगे ना, तो मिरिक का रास्ता अल्टीमेट है। तो एक छोटा सा ब्रीफ करना था आपको, चलिए सीरीज़ को एंजॉय करते हैं। ये बर्फ़ी वाला क्लॉक टावर आई थिंक यही है, यही बर्फ़ी की मूवी की शूटिंग हुई थी, देख रहे हैं। इसीलिए कुछ चीज़ें जाते समय कुछ चीज़ें आते समय दिखाई देती है। ये फेमस क्लॉक टावर, चलिए सुबह की शुरुआत कर लेते हैं हम लोग इस फेमस दार्जिलिंग के क्लॉक टावर से। यह है दार्जिलिंग का फेमस क्लॉक टावर माल रोड के पास, और ये उस समय का ये क्या था, टाउन हॉल कैफे, गोल्डन बिस्ट कैफे बना दिया इसको। एंड दिस इज द दार्जिलिंग हेरिटेज ट्रेन। I love Darjeeling। Darjeeling में आपका स्वागत है। और चलिए हम लोग देखते हैं अब Darjeeling रेलवे स्टेशन और साथ में यहाँ पे क्लॉक टावर। 10 मिनट में समअप करते हैं, गाड़ी पार्क हमने कर दी है, किसी और से पूछ के 10 मिनट का टाइम मिला है। आइए आपको फेमस Darjeeling रेलवे स्टेशन दिखाएं। ट्रैक पे चलना अलाउड नहीं होगा ना। ओह वाओ, ट्रेन लगी है, ट्रेन लगी हुई है और हम लोग हैं दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन में। सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है। इस बार तो इतना फॉग था ना कि कुछ भी नहीं दिखा। कैसे जलते स्टेशन होके आ जाएंगे। आज कथी है ये? दरअसल सब जगह देख लिए और दार्जिलिंग का रेलवे स्टेशन ही नहीं देखे, तो आने का मतलब नहीं है। सुबह एकदम नींद में उठ के निकल गए अभी, वो इसीलिए क्योंकि अभी हम लोगों को बहुत दूर जाना है, आज बहुत सारे डेस्टिनेशन को कवर करना है। तो चलिए, तो बाल वैसे ही खड़ जाता है, कोई नहीं, बाल पर ध्यान दो।
स्टीम इंजन वहाँ तैयार हो रहा है, देख लो आप लोगों के लिए। और ये वो जगह है जहाँ पे इंजन को चेंज किया जाता है, ये पर्टिकुलर पॉइंट है ना यार, ये पूरी पटरी मुड़ जाती है, ये पूरी पटरी चेंज हुआ चेंज, क्योंकि इस तरह के इंजन में रिवर्स नहीं होता। अब रिवर्स है नहीं, इंजन चेंज करना है तो कैसे होगा। और ये एक लाइन से इंजन दिख रहा, लिखा हुआ है दार्जिलिंग लोको शेड, एक लाइन से यहाँ पे। और अब चलते हैं प्लेटफॉर्म पे, DDLG की शूटिंग चल रही है, बस इस बार लड़की की जगह लड़का है, नहीं अभी भी लड़का ही है ना, लड़की तो आती है। ओके ये सब तो हम आपको दिखा ही चुके हैं, सीटें कैसी होती है। इस तरह का इंजन होता है, अभी सब बंद है दार्जिलिंग रेलवे। टिकट काउंटर कहाँ है भाई, टिकट काउंटर? हाँ चलिए, दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन हो गया, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। स्टेशन मास्टर यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है, क्या करना है इसको जान के। और हाँ रिटायरिंग रूम भी है यहाँ पे, रिटायरिंग रूम के लिए यहाँ से कांटेक्ट आप कर सकते हो अंदर जाके, यहाँ से कुछ है, कुछ तो होगा। हाँ गुड, यही तो खोज रहे थे आप लोगों के लिए, दिस वन। हमने साइट सीन तो बहुत देखे, आपने भी बहुत सारा साइट सीन देखा, लेकिन अब जो हम लोगों को देखना है वो है हॉन्टेड प्लेस डाउ हिल। क्या सही में है या नहीं है पता नहीं, फटाफट चलते हैं यहाँ से, लगभग उसकी दूरी 30 किलोमीटर के आसपास है। आज बहुत सारा कवर करना है, आज घूम को कवर करना है, डाउ हिल कवर करना है। आज सुबह में इतना फॉग हो जाता है ना कि हेलमेट से कुछ दिखता ही नहीं है, और हेलमेट अगर ऊपर कर दे तो आवाज़ आएगी नहीं ठीक से। अजीब विडम्बना है जीवन में, पता नहीं क्या किया, क्या किया जाए। तो फाइनली चलते हैं हम लोग डाउ हिल, डाउ हिल। और बहुत सारी स्पोकी हिस्ट्री है उसकी, कुछ लोगों से ही बात करने की कोशिश करेंगे क्या लिटरली ऐसा होता है या बस यूं ही बनाया हुआ कहानी है। हाँ चलिए, कल की बात तो आपको बताया नहीं, हम लोग वहीं पहुंच के आपसे बात करेंगे, कल बताएंगे क्या हुआ। कल जो हुआ ना अजीब हुआ यार, तो यहीं पे निकले थे ना, अगर एक कट हम लोग गड़बड़ कर देते तो यहीं पे निकलते। जबकि आज इस बार पूरा मुझे ध्यान में था कि दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन देखना है, इसलिए कट गलत करने का तो सवाल ही नहीं है। आप लोगों ने बहुत देखा होगा ना घरों, एक घर से दूसरे घर, एक छत से दूसरे छत तार जाते हुए, इलेक्ट्रिक वायर। यहाँ पे सिर्फ वही नहीं जाता, यहाँ पे उसके साथ साथ पानी भी जाता है एक छत से दूसरे छत की तरफ। रोड क्रॉस करता हुआ पाइप लगा हुआ मिलेगा आपको। वो
जी यहाँ तक तो हम लोग कल पिछले परसों आई थिंक ना दो दिन पहले यहाँ तक तो हम लोग आ ही चुके थे, इसलिए यहाँ तक का वीडियो आपको नहीं दिखा। ऊपर बतिस्ता लूप है, अरे यार सिर्फ बतासिया लूप हम लोग को आगे चलना है, यहीं पे घूम मॉनेस्ट्री है। अब मैं ना इसको हेलमेट ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा सा आवाज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा क्योंकि बहुत दिक्कत है, बड़ा ही कष्ट है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, तुरंत जो है ना मॉइस्चर आ जा रहा है और एकदम विजिबिलिटी जीरो हो जा रही है। ये घूम मॉनेस्ट्री कहाँ पे है? पता नहीं। तो अभी हम लोग हैं इंडिया के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन पे, इंडिया का सबसे ऊंचा, दुनिया का नहीं, इंडिया का। कोई और ऐसा डाटा होगा जो कि शायद गलत हो रहा होगा तो उसको ठीक कर देंगे बाद में, और वो इसलिए ये जो रेलवे स्टेशन है 4 फीट पे है, घूम रेलवे स्टेशन, और इसका नाम है घूम रेलवे स्टेशन। यहाँ पे ट्रेन की टाइमिंग, ट्रेन का टाइमिंग ले लेते हैं ना, स्टीम जॉय राइड। और ट्रेन चलती कितने कितने बजे? यही सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है ना इंडिया का? ओके हाँ जी, तो चलिए कंफर्म है, इंडिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम, एक बार घूम का विजिट करवा देते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं, एक बार पूरा का पूरा व्यू ले लेते हैं। और यही है घूम मॉनेस्ट्री, तो घूम मॉनेस्ट्री हम लोग लौटते समय देखेंगे क्योंकि यहाँ शायद गाड़ी लगाना मुश्किल होता। अभी हम लोग सुबह सुबह हैं तो आराम से गाड़ी लग गई, नहीं तो ओवरऑल वैसे दिक्कत था। राइट, आइए सामने से देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है ना जब इस तरह के थोड़ा सा अलग जगहों पे जाते हैं और उस जगह की गवाह बनते हैं, उस जगह का एक गवाह बनते हैं कि नहीं हम भी वहाँ गए थे, हमने से वीडियोस नहीं देखा है, हम वहाँ पहुँचे हैं, तो अच्छा लगता है। ओके घूम, तो दिस इज़ द स्टेशन विच इज़ द हाइएस्ट स्टेशन ऑफ इंडिया, घूम। अब आओ अंदर लेके चलते हैं आपको, एक्चुअली नाम घूम ही है, ऐसा नहीं है, अब अंदर लेके चलते हैं और आपको जैन होम स्टे मिल जाएगा। तो ये है हमारा घूम रेलवे स्टेशन, घूम 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 घूम, आप देख सकते हैं घूम 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 घूम। इधर से दार्जिलिंग सीधा चले जाएंगे, ठीक है, इधर से सीधा दार्जिलिंग। और मुझे यहाँ बैठने का बड़ा मन था, 2 मिनट बैठ लेते हैं फिर चलेंगे। मैं जब भी इधर से गुजरता था ना तो लगता था काश धूम रेलवे स्टेशन पे एक बार बैठे, तो आज बैठेंगे यार, आज अपनी इच्छा को पूरा करेंगे। दिस इज़ घूम रेलवे स्टेशन, फाइनली जो दिल्ली ख्वाहिश थी घूम के रेलवे स्टेशन पे बैठने की, बहुत लिटरली मुझे बहुत मन था कि हम घूम के रेलवे स्टेशन पे और इस चेयर पे बैठे, इसी चेयर पे, रोड यहाँ सामने में और इस चेयर पे थोड़ी देर बैठे सही में। और ये सुबह सुबह इसलिए पूरा हो पाया है, ये दार्जिलिंग का रूट है, उधर से गाड़ियाँ आ रही है, यहाँ ट्रैक है बना हुआ, और एक आप ये कह सकते हो ना कि एक अंदर की एक बहुत ही दिल की गहराइयों वाली जो इच्छा थी वो पूरी हो गई आज, बहुत खुशी हो रही है मुझे घूम रेलवे स्टेशन में बैठ के। इधर से गाड़ियाँ गुजरती रही और यहाँ पे हम बैठे रहे,
दो मिनट बैठते हैं फिर निकलते हैं। अब यहीं पे बता दूँ कि कल हमारे साथ क्या हुआ उस घूम रेलवे स्टेशन पे। पहला, दूसरा, ये दो मेजर और यहाँ तो अच्छा खासा कट गया। रात में दरअसल जब लौट रहे थे ना तो बारिश तो हुई थी काफ़ी ज़्यादा, गड्ढा था एक जगह, मिट्टी ही सिर्फ था और वो भी बलुई मिट्टी, गाड़ी पूरी तरह से धंस गई उसमें। और पता नहीं सडन क्या हुआ, कुछ कहा नहीं जा सकता, एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ और गाड़ी बंद हो गई। उसके बाद मैं गाड़ी को रोक भी नहीं पाया, गाड़ी पीछे की तरफ जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि कहीं रोड से नीचे ना चली जाए गाड़ी, और गाड़ी गिर गई। एनी हाउ उसको किसी तरह से उठाए, फिर उस समय तक ठीक था, फिर अब जो सेफ तरफ था वहाँ से चढ़ाने की कोशिश किए, आज तक ऐसा हुआ नहीं। अनफॉर्चुनेटली फिर से गाड़ी नहीं चढ़ रही थी, और ऐसा भी वो टफ टेरेन नहीं था कि गाड़ी नहीं चढ़े। अब बहुत समस्या वहाँ पे, समझ नहीं आ रहा करे क्या, चारों तरफ पहाड़, गाड़ी बंद। फिर गाड़ी पीछे लुढ़कने लगी, और इस बार लुढ़कते हुए पत्थर जहाँ बहुत सारे रखे हुए थे ना उधर चली गई। अब मैं गिरा तो पहली बार में था, लेकिन उस बार मिट्टी पे गिरा था तो कुछ नहीं, वो पत्थर पे गिरा, यहाँ पे भी चोट आई। तो कहते हैं ना कि थोड़ा सगुन मिल जाता है, तो इसीलिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सेफ्टी जो किट होना चाहिए ना वो होना चाहिए। वो लाइफ में एक ही बार काम आए, दो बार काम आए, लेकिन काम आता है। अगर ग्लव्स मेरे पास होता ये चोट नहीं लगती, नी सपोर्ट होता तो चोट नहीं लगता, तो एटलीस्ट वो होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जब चले तो उसको लेके चले, वैसे हम अभी चलने वाले नहीं हैं, लेकिन अब तो अपना मेरे पास है ही नहीं और अभी खरीदने का कोई इरादा भी नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल अजीब हुआ और एक अलग एक्सपीरियंस था वो, मतलब मैं क्या बताऊँ क्या था, एक अलग एहसास हुआ उसके बाद ये हादसा हो गया पहाड़ पे। थोड़ा सा पहाड़ पे होता है वैसा, सुना है मैंने, कुछ लोगों ने कहा भी बाद में कि ऐसी चीज़ें उधर है, तो और आज तो पहाड़ी पे जा रहे हैं जहाँ पे सिर्फ वही चीज़ें हैं, हम लोग जा रहे हैं डॉ हिल की तरफ, तो फटाफट निकलते हैं अब क्योंकि बहुत सारा चीज़ें कवर करनी है ना। तो हम लोग निकलते हैं यहाँ से डॉ हिल और घूम रेलवे स्टेशन का, जो मेरा शौक था, जो मेरा सपना था कि हम यहाँ पे बैठे इस चेयर पे, वो मैं बैठ चुका हूँ। आपको भी घूम हमने दिखा दिया, अब यहाँ से निकलते हैं और घूम मॉनेस्ट्री बाद में करेंगे, पहले डॉ हिल करके आते हैं, वहाँ की हॉन्टेड स्टोरी को एक्सप्लोर करते हैं। हॉन्टेड स्टोरी एक्सप्लोर करना जरूरी है, उसको कर लेते हैं और वहाँ के आसपास के लोगों से भी पूछेंगे कि क्या चल रहा है, और फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे। राइट, चलिए चलते हैं। ये तीन बार घूम 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 क्यों लिखा हुआ है? तीन बार क्यों लिखा हुआ है? पता नहीं, ये डिफरेंट टाइप में होता है ना। नहीं नहीं सिर्फ हिंदी में लिखा है, लिखा हुआ है एक हिंदी, ओके ओके ओके, बंगला में भी लिखा हुआ है ना? एक बंगला में लिखा है, एक सीधी मात्रा में लिखा है, एक उल्टी मात्रा में लिखा है। ओके थैंक यू। यही देखो ना, छोटी छोटी चीज़ें कभी नज़र नहीं आती। ये घूम जो है वैसे नहीं है, घूम बंगला में, एक घूम हिंदी में, एक हर्सव वाली मात्रा में, एक दीर्घव वाली मात्रा में, और दिस इज घूम अल्टीट्यूड 7407। फाइनली धूम रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ते हैं, घूम घूम धूम नहीं घूम घूम से आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं डॉ हिल की तरफ। कुर्सियोंग, मतलब यहाँ के लोकल्स को भी नहीं पता है डॉ हिल कहाँ है। यार ये ना दिक्कत क्या हो रही है ना कि हेलमेट लगाने के बाद थोड़ा सा और धूप निकलेगा तब ठीक हो जाएगा, तो पूरा धूप आज तो मौसम खुला है, आज मौसम खुला है इसका मतलब कल टाइगर हिल पे एकदम सनराइज दिखेगा, तो कल टाइगर हिल को कवर करेंगे और निकल जाएंगे। फिर यहाँ के लोकल लोगों का जीवन देखिए, जैसे सभी जगह ट्रैफिक होता है ना उसी तरह से यहाँ से सुबह और शाम में, सुबह में मतलब 8 बजते स्कूल के बच्चे, ऑफिस के लोग, इसके साथ ही जो टूरिस्ट है ना वो सब भी सुबह सुबह आने लगते हैं, तो सुबह का जो भीड़ है यहाँ सबसे अधिक होता है। शाम में भी भीड़ होती है पर सुबह वाली भीड़ बहुत ज़्यादा। अब ये लाइन लगातार लगा रहेगा, कोई बात नहीं, को कुर्सियोंग जाना है, कुर्सियोंग 24 किलोमीटर। चलिए
चलिए तो चलते हैं कुर्सियोंग डॉ हिल और डॉ हिल की कहानियां, डॉ हिल की कहानियां, हॉन्टेड स्टोरी ऑफ डॉ हिल, डाउ हिल हॉन्टेड स्टोरी कैसी होगी, क्या रियल स्टोरी है? कुछ लोग कहते हैं कि रियल एक्सपीरियंस हो जाते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं बिल्कुल ही फेक स्टोरी है, जैसा कि कल भी हुआ था। ये सब जो आपको अभी दिख रहा है ना, ये सब क्लाउड है। कल तो अजीब क्लाउड था रात में, मतलब कल रात में ना, मतलब पूरा अचानक से क्लाउड आ जा रहा था, एकदम से डेंस क्लाउड आ जा रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था। दो या तीन बार ऐसा हुआ कि कुछ नहीं दिखा, लगा कि बस हो गया आज। अब लाइट इसका तो पता ही है आपको कैसा है, अब इस लाइट में कुछ दिख ही नहीं रहा था, एकदम से विजिबिलिटी जीरो हो गई थी, और उसके बाद टर्न्स, सोचिए क्या हाल हुआ होगा। कल रात में तो बहुत दिक्कत हुआ। एक्चुअली सर रास्ता तो आप लोग देख ही चुके हैं ना पिछले ब्लॉग में, एकदम इसको एपिसोड बाय एपिसोड हम आपको दिखाएंगे एक एक चीज अच्छे से। इस रास्ते को आप लोग देख चुके हैं, इसलिए हम ज्यादा शूट नहीं कर रहे। जब इस रास्ते को छोड़ेंगे ना, छोड़ के जब जाएंगे डाउ हिल की तरफ ना, तब फिर कंटिन्यू आपको दिखाएंगे। तब तक इस ट्रिप के मजे लो, कुछ और चीजें धीरे धीरे ऐड ऑन होगी इसमें। ये सामने देख रहे हैं आप, ये क्या है? कोई तो मॉनेस्ट्री है यार ये। वाओ, कहीं पार्किंग नहीं है? पार्किंग ही नहीं है। वाओ, ये मूर्ति अच्छा लग रहा है, पार्किंग ही नहीं दिख रहा। अच्छा, लौट के आते हैं फिर। देखो सिर के ऊपर से पानी का पाइप जा रहा है, मतलब लगभग सब जगह यही है, ऊपर से पानी गिरता रहता है, पाइप में लीकेज, पानी गिर रहा है, टप टप टप। हाँ जी साहब, जाइए। ये रेलवे स्टेशन सोंदा, ओ यहाँ का रेलवे स्टेशन है सोंदा। चैनी खैनी माउथ फ्रेशनर, चैनी खैनी माउथ फ्रेशनर, चैन से मजा लो। मतलब ये लोग तो अपने तो कुछ खाते नहीं है, ठीक है, आप खुद कॉन्शियस रहेगा पूरा, एक्सरसाइज बॉडी फिट सब, और ऐड कर कर के जो बेचारे मासूम बच्चे हैं, जो मासूम लोग हैं, उनको बीमार कर रहे हैं। बस चैनी खा के माउथ फ्रेशनर, माउथ फ्रेश करने की, चैनी खा के माउथ फ्रेश करने की क्या जरूरत है, जब हमारे पास सौंफ है, सुपारी है, सुपारी मतलब वो वाला नहीं। चलो छोड़ो, अजी छड़ो, खैनी चैनी से खैनी और माउथ फ्रेशनर, क्या ऐड है यार। वाओ वाओ वाओ, मतलब इस तरह का घर जो दिखता है ना तो मजा आ जाता है बस। ये कौन सा जगह है?
नीचे कौन सा जगह है? नीचे में कुछ है क्या? नीचे में कुछ देखने वाला है क्या? नहीं, क्या है नीचे में? क्या लिख? सतधाम मंदिर, वो मंदिर है, खड़े खड़े सतधाम मंदिर। ये मुझे अच्छा लगता है देखने में, ये वाला जो ब्रिज है, छोटी लाइन की ब्रिज, छोटी छोटी ब्रिज। तो पेट पूजा अपना हो गया थोड़ा सा, और पेट पूजा के बाद ही कोई काम दूजा, ऐसा मेरे डिक्शनरी में तो नहीं है, बट आज कर लिया इसलिए कि गया। हाँ, छूट गया ना। अच्छा, मुझे दिखेगा तो मैं बोल दूंगा। दिख, बस अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं उस जगह का जिस पर जिसका हमें इंतजार था, और बेचारे का सामान छूट गया है। दिखेगा कहाँ? वो बुलेट पे, रॉयल एनफील्ड पे, और हम स्कूटी पे। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं बता रहे ये लोग, बता रहे कि दो आगे मार्केट है, टाउन है, उस टाउन के बाद 2 किलोमीटर बस 2 किलोमीटर और इंतज़ार ख़त्म, और फाइनली हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ लोग नहीं पहुँचना चाहते, भूतहा अड्डा। और वहाँ से लौट के अभी बहुत रॉक गार्डन देखना है, घूम मॉनेस्ट्री घूमनी है, तो जल्दी जल्दी कवर करते हैं और वहाँ से आते हैं। फिर हम लोग आ गए शहर में जिसका नाम है कुर्सियोंग, कुर्सियोंग ही नाम है ना भाई। और यहाँ से इसको क्रॉस करने के बाद डाउ हिल के लिए 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। ओके, कहाँ है आपका एग्जैक्ट दिखा देते हैं ना, ताकि आप कभी आओ तो आपको दिक्कत ना हो। वैसे तो सारी इन्फॉर्मेशन एंजॉय इंडिया पे हम दे ही देंगे, लेकिन ये तो नहीं होगा ना रोड, ये नहीं होगा। अरे भैया, डाउ हिल कैसे जाएंगे? आज जाओ, नाराज नहीं होता। भैया, आपका सामान छूट गया है क्या? आपका कुछ छूट गया है सामान क्या उस दुकान पे? टोपी इधर आओ। यही रास्ता होगा वहां पे सर, डाउन हिल के लिए। थैंक यू। ये भाई चढ़ाई शुरू, सीधा जाके लेफ्ट। ओके,